क्रूड बर्थ रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन इज जनरली डिनोटेड एज ये जो क्वेश्चन पूछा है ना ये क्वेश्चन पूछा है क्रूड बर्थ रेट पे और यह हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई पर वन हंड्रेड में पर वन थाउजेंड में पर टेन थाउजेंड में या पर वन लाख में तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इंटू वन थाउजेंड तो ये वन थाउजेंड है ना पर वन थाउजेंड इसका मतलब क्या कि जो हमें क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन में द क्रूड बर्थ रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन इज जनरली डिनोटेड एज इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर टू पर वन थाउजेंड ये डेफिनेशन पे से हम समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर टू पर वन थाउजेंड सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है क्रूड डेथ रेट इन लाइफ टेबल इज कैलकुलेटेड यूजिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और ये नीचे में आपको ऑप्शन दिए हुए इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन वन अपॉन ई जीरो क्रूड डेथ रेट रेट है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है डेथ अपॉन पॉपुलेशन इन डु के ये क्या है वन थाउजेंड थर्ड क्वेश्चन है कि इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज सिक्सटी फाइव इन इन अ पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर व्हाट इज द लाइफ टेबल बर्थ रेट और ये आपको नीचे में ऑप्शन दिए हुए जो आपका लाइफ टेबल रहता है ना लाइफ टेबल में ये क्यू एक्स एल एक्स LX, EX एल एक्स ई एक्स पावर जीरो आपके कंसेप्ट रहते हैं। तो इसमें ये जो ई एक्स पावर जीरो जो रहता है ना ये एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ रिमेनिंग एट एग्जैक्ट एज एक्स ये रहता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जब फाइंड करते हैं तो वो इस फॉर्मूले के जरिए आप फाइंड कर सकते हो वन अपॉइन ई जीरो थाउजेंड में इन लाइफ टेबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग फ्रॉम बर्थ टू दिक्कटी फाइव इन इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द एक्सप्रेशन और इन एक्सप्रेशन में से आपको ऑप्शन नंबर टू एक करेक्ट आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का जी क्या पूछा उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सरवाइविंग फ्रॉम बर्थ टू द फाइव ईयर मतलब कि सिक्सटी फाइव तक वो सर्वाइव फ्रॉम बर्थ इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर टू और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेवेंटी फाइव एंड अब दैट लाइव अनदर टेन ईयर्स इज सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव ईयर्स से और टेन ईयर्स तक वो लाइव रहेंगे इसकी क्या प्रपोर्शन है इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर टू न्यू क्वेश्चन है कि इफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप आर नोन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा आर नीडेड टू कैलकुलेट टोटल तो मैरिटल फर्टिलिटी रेट अब ये फर्टिलिटी है ना फर्टिलिटी किससे रिलेटेड है फीमेल से रिलेटेड है फर्टिलिटी किससे रिलेटेड है फीमेल से और यहां पे क्या है मैरिटल मतलब मैरिड ये दो वर्ड तो आएंगे इसका आंसर क्या रहेगा फिर ऑप्शन नंबर ए मतलब वन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर वन प्रपोर्शन फीमेल्स मैरिड इन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप